करीब 5 साल तक इंतजार करने के बाद अमेरिका की दिग्गज इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला आखिरकार भारत आ पहुंची है और ये काफ़ी लोकप्रिय मॉडल्स के साथ अपनी शुरुआत कर रही है। टेस्ला मॉडल 3 जो कि ईवी निर्माता की लाइनअप में सबसे सस्ती कार है, भारतीय बाजार में पेश किए जाने वाले सबसे पहले मॉडल्स में से एक रहने की उम्मीद है। कंपनी अपनी इस कार को इस साल एक मिड लाइफ अपडेट देने की तैयारी में है। यहाँ हम आपको 2021 टेस्ला मॉडल 3 के बारे में जानकारी दे रहे हैं। आपको बता दें, इस पर ब्लूटूथ कीलेस एंट्री है, यानी कि फीचर के साथ टेस्ला मॉडल 3 में आप अपने एंड्रॉयड iOS फ़ोन को टेस्ला मॉडल 3 की चाबी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको फ़ोन के साथ शारीरिक रूप से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक कि अगर फ़ोन आपकी जेब में है तो मॉडल 3 इसके बारे में खुद से पता लगा लेता है। दरवाज़ों को ऑटोमेटिक तरीके से अनलॉक कर देता है और टेस्ला ने एक नया हीट पंप सिस्टम शामिल किया है और इसने कार की सभी ट्रिम्स में ड्राइव रेंज को और बेहतर बनाया है, जिसमें 568 किलोमीटर से ज़्यादा का रेंज और 233.3 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड वाली कार भी शामिल है। इसे एक नया एफिशिएंसी पैकेज भी मिला है, जिसके कारण हर ट्रिम की ओवरऑल ड्राइव रेंज बढ़ गई है। इससे कार के माइलेज में 48 किलोमीटर का इजाफा हुआ है। इसमें एक नया पावर ट्रंक, नई डबल पैन विंडो दिया है। इसके साथ ही मॉडल वाई से क्रोम डिटेल्स लेने के साथ ही कई अन्य बदलाव भी किए गए हैं। वहीं 2021 टेस्ला मॉडल 3 को एक बड़ी 82 kWh बैटरी पैक के साथ पेश किया गया है। इससे पहले वाले मॉडल में 79 kWh बैटरी पैक मिलता था। इसका मतलब है कि नई कार में अब 3.8% ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। 2019 में इस इलेक्ट्रिक वाहन ने यूरो NCAP सेफ्टी क्रैश टेस्ट में फुल 5-स्टार रेटिंग हासिल की थी और नए मॉडल्स में भी ये नतीजे मिलने की उम्मीद है। अपने एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 96% और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 86% अंक हासिल किए हैं। टेस्ला मॉडल 3 को सेफ्टी असिस्ट सिस्टम की एक बड़ी रेंज के लिए भी 94% अंक मिले हैं, जो कि यूरो NCAP द्वारा 2018-19 के प्रोटोकॉल में किसी भी नए वाहन को दिए जाने वाला सबसे ज़्यादा सेफ्टी स्कोर है।